हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 की। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है चैप्टर के अंदर। हमें बताया कि कुछ चीजें हैं जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एकदम सही चैप्टर के अंदर नहीं है। जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बात करी, क्वांटम नंबर्स की बात करी थी हमने, हमने बात करी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, हमने बात करी लिमिटेशन ऑफ नील बोर मॉडल। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको नए पढ़ने हैं, आपने आज तक कभी वो पढ़े नहीं है, आप वो पहली बार पढ़ेंगे, मजा बहुत आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी नील बोर के मॉडल के बारे में। नील बोर जी ने हमसे क्या कहा था कि मेरे पास ये एटम है, ये पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से। बीच बीच में क्या है इसमें? नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने बोला जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, है ना? और उन्होंने बोला कि वाटरमेलन की तरह दिखता है कौन? अपना एटम। तो उसमें जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली, वो उन्होंने ये बोली कि पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से। अब लोग खड़े हुए, मतलब कुर्सी से खड़े नहीं हुए, लोग वैसे खड़े हुए और बोल रहे हैं कि नहीं, यह गलत है। जे थॉमसन जी ने जो है जो अपना ये दिया है मॉडल, वो गलत दिया है। तो अब देखिए, अभी तक आपको ये लगता था कि जे थॉमसन जी ने अपना मॉडल दिया वो गलत हुआ, तब जा करके रदरफोर्ड जी आए, या फिर रदरफोर्ड आए थे जे थॉमसन के मॉडल को गलत साबित करने के लिए। अभी तक हम ये बात करते हुए आते थे, पर ऐसा सही में नहीं है, ऐसा असल बात नहीं है। असल बात क्या है? देखिए, जो जेड जो रदरफोर्ड थे वो असल में स्टूडेंट थे किसके? जेड थॉमसन के। सर, जेड थॉमसन के स्टूडेंट थे कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जब जेड थॉमसन ने अपना मॉडल दिया और लोग बोलने लगे कि नहीं, जेड थॉमसन का मॉडल गलत है, तब जाकर के रदरफोर्ड ने कहा नहीं, जो मेरे गुरुजी हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते, मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ा करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया है, आखिर वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो एकदम सही बोल रहे हैं, लोगों को मैं साबित करके दिखाऊंगा। और तब जाकर के रदरफोर्ड आए थे, और रदरफोर्ड का जो मेन मोटिव था वो था जे थॉमसन के मॉडल को सही साबित करना। अब 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने अपना एल्फर एक्सपेरिमेंट, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, आप बहुत सारे नाम से इसको जान सकते हैं, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट नाम से जान सकते हैं, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नाम से जान सकते हैं, अल्फा रेज मॉडल के बारे में जान सकते हैं, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जान सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। पर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं इसको? हम बात करते हैं इसको गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट से। हम बात करेंगे अभी गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट की। किसने दिया था हमें ये? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। अच्छा, अब 9th क्लास में आपने इसका डायग्राम देखा होगा जिसमें आपकी कुछ इस तरीके का था कि बीच में इस तरीके गोले 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 बना रखे हैं, यहां से रे आती है, ये इस तरीके से आती है, यहां से इस तरीके कई सीधी जाती है, कोई ऐसे जाती है, कोई ऐसे, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सा आपको एक डायग्राम दे रखा था, याद होगा आपको, तो नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको याद हो तो इस तरीके का कोई डायग्राम था। उससे हमको समझ नहीं आता इस तरीके से कि असल में गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। हमें वही गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, पर इस बार एक नई चीज सीखने वाले हैं, हम इस गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखने वाले हैं। गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखेंगे। सेटअप का मतलब कि बनाया कैसे, किस तरीके से गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट बनाया था। तो अभी आपको मैं यहाँ पर बोर्ड पे वो सेटअप बना के दिखाऊंगा,
ठीक है, उसके बाद वो सेटअप बन जाएगा तो आपको यहाँ पे साइड में एक उसकी गोल गोल एक्सपेरिमेंट की फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो रियलिटी में किस तरीके से था। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे गोल फॉल एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए गोल फॉल एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंपल बात में, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ गोल फॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में कि सबसे पहले इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड चूज गोल्ड फॉइल हैविंग ओनली वन एटम। इस एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड जी हैं उन्होंने कौन सी फॉइल चुनी, गोल्ड की फॉइल चुनी जिसके पास सिर्फ एक ही एटम था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम था। अब पहला क्वेश्चन कि इन्होंने एक ही एटम क्यों लिया, एक से ज्यादा एटम भी ले सकते थे, एक ही एटम क्यों लिया। देखिए एक एटम लेने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि जो जेजे थॉमसन थे, जेजे थॉमसन ने बताया एक जो मेरे पास एटम है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, एक एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। अगर मैं एक एटम की स्टडी कर रहा हूं तो गोल्ड फॉइल के लिए मैं एक एटम की बात करूंगा जिसे स्टडी करना इजी हो जाएगा, जिसे पता चल जाएगा कि भैया क्या सही में जो एक एटम है पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये था सिर्फ गोल्ड की फॉइल ही चुनी, ये कोई और भी मेटल ले सकते थे, सिर्फ गोल्ड का ही मेटल क्यों लिया, सिर्फ गोल्ड की फॉइल क्यों ली इन्होंने, क्योंकि देखिए इसका रीजन छुपा है एक एटम के अंदर। अच्छा कोई भी मेरे पास कोई भी फॉइल ले लू, मैं दुनिया की कितनी भी फॉइल ले लू, क्या कोई एक ऐसी फॉइल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम बचा हो? आंसर है नहीं, ऐसी कोई फॉइल ही नहीं हो सकती जिसके अंदर पास सिर्फ एक ही एटम हो, है ना। तो अब क्या करें, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, जो सिंपल गोल्ड फॉइल आती है उसको ठोक 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 के एक बहुत पतली शीट बना दी, बहुत ज्यादा पतली, ठीक है, जिससे क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड हम जानते हैं कि बहुत लंबे से लंबे तार में और बहुत पतली से पतली शीट में बन सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी और किसी भी मेटल के पास नहीं है, इसीलिए इन्होंने गोल्ड के ही फॉइल को चुना था, ठीक है। दूसरा He bombarded alpha particle. अब alpha particle क्या चीज है? Alpha particle को आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, क्या बोल सकते हो? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। देखिए alpha particles को ना एक और तरीके समझ सकते हैं हम, alpha particle को मैं यहां से बोल सकता हूं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, या तो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन जैसा एटम हो, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक ही है, हाइड्रोजन जैसा एटम क्या होते हैं? देखिए बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? बैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर आगे एच पॉजिटिव पॉजिटिव आया, एच पॉजिटिव। यानी कि अब हम यहां पे जो भी एलिमेंट लेंगे, जो भी यहां पे हम एटम लेंगे, उन सबके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं हीलियम की, अब कहेंगे हीलियम के पास तो भैया सिर्फ एक ही, इस हीलियम के पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो एक है ही नहीं, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा? ये तो गलत है। तो देखिए हम यहां पे क्या करते हैं ना, जो एटम्स हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता रहता है, ठीक है, कि किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाला किसी और को दे दिया, किसी में से निकाला किसी और को दे दिया। ऐसे में यहां पे हीलियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं क्या? हीलियम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्या बच जाएगा? हीलियम वन, हीलियम वन। बहुत ही रेयरली या फिर बोलो तो बनता ही नहीं ऐसा, हीलियम वन तो
समझ लीजिए कि 99.9% केस ऐसे हैं कि हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, पर तब भी चलिए हमने मान लिया एक इस तरीके में बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी हमने हीलियम को, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी जिसके कारण जो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब वो बाहर निकल क्या बच गया, हीलियम वन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया एच पॉजिटिव। मैं बात करूं लिथियम की, अच्छा लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बोलो तो के एल 2.1, तो देखिए एक तो एल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, के में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहाँ पे, मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूंगा तो के पास बचे से एक एटम, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, कितने इलेक्ट्रॉन में निकाल लूंगा से दो इलेक्ट्रॉन निकाले टोटल मैंने, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो इस तरीके के इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, और इनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे होते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। जब किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसको क्या बताते हैं, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अल्फा पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। अब उसके बाद क्या हुआ वो आइए यहां पे पिक्चर से समझते हैं, पहले इसको इतना नोट करिए, कर लिया, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा 9th क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे देखते हैं एक सेटअप जो कि बनाया था किसने, रदरफोर्ड ने अपना सेटअप बनाया ड्यूरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो अब तक हमको समझ आया गोल्ड फॉइल थ्योरी, ये समझ आया कि जो है एक ही एटम क्यों लिया, ये समझ आया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताता हूं आपको मैं, देखिए इसके पीछे का रीजन ना क्या आप समझ लीजिए। जेजे थॉमसन ने क्या बोला कि मेरे पास ये एटम है, ये पूरा किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से, यहां से क्या आएंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करना चाहिए आपस में, रिपेल करने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करना चाहिए, रिपेल करने चाहिए। तो जेजे रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर मैं गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डालूंगा तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पीछे की तरफ आ जाएंगे, आगे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोबारा पीछे मुड़ के आ जाएंगे। तो ये सोचा था किसने, रदरफोर्ड ने। तो क्या सही में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो आइए बात करते हैं। तो जेजे थॉमसन ने रदरफोर्ड ने क्या किया, यहां पे रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया, क्या लिया है, सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, जैसे बल्ब है, बल्ब में से क्या आती है, लाइट रेस बाहर निकलती है, ऐसे एक सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, क्या बाहर निकलेंगे यहां से, अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद यहां पर उन्होंने लेड की प्लेट लगा रखी है, किसकी प्लेट, लेड की। अब लेड की प्लेट का काम क्या है वो भी आगे बताएंगे आपको। उसके बाद ये हमने लगा रखा पोलराइजर, क्या लगा रखा है यहां पे, पोलराइजर लगा रखा है। पोलराइजर क्या होता है इसको आप एक छन्नी समझ लीजिए, छन्नी क्या काम है इसका वो भी आपको आगे बताते रहेंगे अभी। फिर यहां पे आता है इस एक्सपेरिमेंट का हीरो जो कि हमारा गोल्ड फॉइल, क्या लिया हमने यहां पे, गोल्ड की फॉइल हैविंग वन एटम,
सिर्फ एक एटम था वो गोल्ड की फॉइल ली किसने? रदरफोर्ड ने। और इस तरीके से यहां पे समझिए, इस तरीके से एक स्क्रीन सी लगा दी मैंने। क्या लगा दी आपने? स्क्रीन। ये स्क्रीन किस चीज की थी? ये स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की, बोल तो ZnS की। अब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का काम क्या है? देखिए सुनिए, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या है? हमारे इनविजिबल रेज हैं, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, अपने नेकेड आई से उसको हम नहीं देख सकते अल्फा पार्टिकल्स को। तो इसलिए मैंने यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का काम क्या होता है? जब भी कोई भी चीज इस जिंक सल्फाइड पे टकराएगी, टकरा कर वो हिस्सा ग्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो सोचा था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एटम किससे बना हुआ? पॉजिटिव चार्ज से। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, कुछ कुछ जो पार्टिकल्स आएंगे वो उस पर टकराएंगे, वो ग्लो होंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि जो मेरे गुरुजी थे वो सही थे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऐसा हुआ या नहीं हुआ। पहले आप देखें आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसका, पहले इतना नोट करिए क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। कर लिया, ठीक है। अब देखिए सुनिए बात, अब यहां से जो चीजें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपके लिए। अब देखिए ये सोर्स में से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स में से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा बताइए, जैसे ही आप घर के अंदर आप घुसे, अंधेरा हो रहा है, आपने बल्ब ऑन किया, अब जैसे ही बल्ब ऑन होगा क्या जो रेज है, मान लीजिए आपका बल्ब लगा हुआ है ये रहा इस तरीके से, अब जैसे आपने बल्ब ऑन किया जिसमें से रेज हैं वो ऐसे सीधी बाहर निकलेंगी? नहीं, वो तो ऐसे बाहर निकलेंगी, पूरी जगह घेर लेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो बस यही हुआ, जब अल्फा पार्टिकल्स यहां पे, अल्फा पार्टिकल्स पे एक रेज है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो भी तो एक काइंड ऑफ रेज है। जो अल्फा पार्टिकल्स है ना जो यहाँ पे बाहर निकलेंगे अब यहां से, वो भी एक रेज है, वो कोई असल में वैसे कोई पार्टिकल नहीं, वो एक रेज है। तो जब कोई रेज होती है तो हमेशा इस तरीके से फॉर्म में बाहर निकलेगी, हर जगह पर फैलेगी, इस तरीके बाहर निकलेगी। कौन? अल्फा पार्टिकल की रेज। अब यहां पे लगा रखे लाइट की प्लेटें। अब लाइट की प्लेट का काम क्या है देखिए सुनिए, अब ऐसे समझ लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी रोड है, ठीक। अब हर जगह पे ट्रैफिक चल रहा है, मान लीजिए पूरी रोड है, ये पूरी यहां पे रोड है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, हर जगह पे ट्रैफिक चल रहा है। अब क्या हुआ कि यहां पे और यहां पे आपने बैरिकेड लगा दिए। क्या लगा दिए? बैरिकेड लगा दिए। तो अब जो ट्रैफिक है क्या इसके ऊपर से कूद के चला जाएगा? आंसर है नहीं, उस ट्रैफिक को इसी एरिया से जाना पड़ेगा। यानी कि जो ट्रैफिक पूरी जगह फैल रहा था उससे स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा, है ना। या फिर जैसे स्कूल छुट्टी होती है, स्कूल में छुट्टी हुई, जितने बच्चे हैं सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर सामने कोई बेहतरीन सा मोटा हट्टा का तब पीटीआई टीचर खड़ा होगा तो क्या होगा? जितने भी बच्चे हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएंगे। तो बस यहां भी यही हुआ कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले तो सामने कौन दिखे? उसको लाइट की प्लेट। तो उस लाइट की प्लेट में जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगे, इस तरीके स्ट्रेट लाइन में आप मूव करेंगे, ठीक है। अब बात करें तो पोलराइजर का काम क्या है? पोलराइजर का काम देखिए, देखो पोलराइजर का यहां पे काम क्या है, जैसे मैंने यहां पे बात करी अल्फा पार्टिकल्स की, अब जितने भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स नहीं होते। वहां पे बात करें तो देखिए अलग अलग हमें रेस देखने को मिलती है। रेस कौन सी? रेडियो एक्टिव रेस देखने को मिलती है।
जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, वाई रेज, यूवी रेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, को बहुत सारी रेज देखने को मिलती है। पर हमें कौन सी रेज की जरूरत है? हमें जरूरत है सिर्फ अल्फा रेज की। हमें किसकी जरूरत है? बस अल्फा रेज की। घर पे जब गेहूं लाते हैं, जब घर पे जब गेहूं आता है और उसको जब पिसवा जाते हैं, आटा पिस करके आता है, अब जब आटे को छानते हैं तो क्या हम वो पूरा आटा ही खा लेते हैं एक बारी में? नहीं, हम आटे को छानते हैं, उसमें जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं और उस आटे से रोटी बनाते हैं, तब हम रोटी खाते हैं, है ना। तो इस ऐसे ही वो काम कौन कर रहा है? आटे को छानने का काम कौन कर रहा है? छन्नी कर रही है। ऐसे ही इनके अंदर बहुत सारी रेज हैं, इन रेज में से अल्फा रेज को निकालने का काम कौन करेगा? पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या काम करेगा? यहां से सिर्फ अल्फा रेज को बाहर फेंकेगा। किसको बाहर फेंकेगा? सिर्फ अल्फा रेज को, और बाकी सारी जो रेज है वो पीछे फेंक जाएंगी, बाकी सारी रेज को पीछे फेंक देगा। तो अब देखिए यहां तक समझ आया? पहला काम क्या? पहला काम यह था कि अल्फा रेज बाहर आएंगी, मान लो जो पार्टिकल्स वो बाहर आएंगे, पोलराइजर उसको एक स्ट्रेटर में भेजेगा। पोलराइजर यहाँ पे क्या करेगा? जितने भी रेज हैं अल्फा की, बीटा, गामा, एक्स, वाई, यूवी रेज, उसमें से अल्फा रेज को अनुमति देगा पार जाने की, बाकी सबको पीछे फेंक देगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है एक एटम। रदरफोर्ड जी का जो मेजर मोटिव था वो तो ये था, ये बताना कि जो जेरी थॉमसन थे उनका एक्सपेरिमेंट सही है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो एटम है, एटम के अंदर पूरा एटम किससे बना हुआ? पॉजिटिव चार्ज से। अब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर देना चाहिए था? रिफ्लेक्ट बैक कर देना चाहिए था, पर कैसा हुआ? तो इन्होंने जब देखा तो रदरफोर्ड जी चौंक गए। रदरफोर्ड ने कहा ये क्या हो गया भैया? क्यों? क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल पे आए, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल पे आके टकराए, तो जो रेज हैं मैक्सिमम रेज यहां से सीधी निकल गई, जबकि उनको तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाना चाहिए था। मैक्सिमम रेज यहां से सीधी आई और सीधी निकल गई, उनको तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाना चाहिए था। कुछ रेज आई जो कुछ एंगल पे आई और ऐसे उड़ गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, इस तरीके से कुछ एंगल पर डैमेज होने लग गया। अच्छा, वो दिखाई दे रहा है इनको यहाँ पे? नहीं, क्योंकि तो इनविजिबल रेज है, पता कैसे चलेगा? इस ZLS की स्क्रीन के कारण। उन्होंने देखा यहां भी ग्लो आ रहा है, यहां भी ग्लो आ रहा है, यहां भी ग्लो आ रहा है, हर जगह पे ग्लो आ रहा है। बस एक पॉइंट ऐसा था कि रे आई सीधी इस पॉइंट पे आकर के वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई। रे यहां से सीधी आई और यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। इन्होंने देखा कि ये जो पॉइंट है ये वाला हिस्सा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में कोई भी ग्लो नहीं आ रहा, तो इसके कारण रदरफोर्ड थोड़ा चौंक गए। रदरफोर्ड ने कहा भैया जो जेजे थॉमसन थे उन्होंने जो बोला था वो पूरा गलत बताया। जेजे थॉमसन ने पूरा गलत बताया। जेजे थॉमसन ने बोला पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से। क्या ऐसा है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस हिस्से में बैठा है, एटम के सिर्फ बीच वाले हिस्से में कौन बैठा है? पॉजिटिव चार्ज। और आगे चल के इसी पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया गया क्या चीज? न्यूक्लियस। इस पॉजिटिव चार्ज को आगे जाके क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया। अब 9th क्लास में आप सबने तो पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, पर आपने उन सबकी बिल्कुल भी ये जो क्या है इसको बोलते सेटअप जो है, जो रदरफोर्ड का सेटअप है, वो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था। तो 11th क्लास में कोई यही चीज पढ़नी थी जो आपको थोड़ा सा नया था, इसमें आपको और कोई चीज नहीं पढ़नी एक्स्ट्रा, बाकी सारी चीजें पुरानी 9th वाली है। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरीज हैं वो सब आप मेरे ख्याल से अपने आप से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब अगली वीडियो से हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर एक नई चीज को जोड़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंदर एक नई चीज जोड़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर।
बहुत प्यारी चीज है क्वांटम नंबर, पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को बने रहिएगा। अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्वांटम नंबर की, आबाउ प्रिंसिपल की और हंस रूल की। ये तीन जो आपको वीडियोस हैं, इन तीनों वीडियोस में जो चीजें पढ़ाऊंगा पूरी केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी चीज का कोई भी कहीं भी अगर यूज ना हुआ तो मुझे सीधा आपको बताइएगा कि भैया अच्छे का यूज नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केमिस्ट्री के फील्ड में कहीं भी जाइए उस चीज के लिए इन तीनों वीडियो में के अंदर जो भी चीजें बताऊंगा सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।